हेलो गाइस दिस इज विपिन बलोनी वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और मजे में होंगे सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट फाइव इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट आई पर्सनली बिलीव एवरी इमर्जिंग आर्टिस्ट शुड डेफिनेटली लर्न सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड गाइज सो द फर्स्ट थिंग दैट विल टॉक अबाउट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग अब सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के कंटेम्प्रेरी सिनेरियो को देखते हुए आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की भी जरूरत है कि सोशल मीडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे नॉट जस्ट फॉर बिग ब्रांड्स एंड बिग कंपनीज बट फॉर एवरी आर्टिस्ट ऑफ एवरी फील्ड किसी भी फील्ड के अगर आप आर्टिस्ट हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब लिए क्योंकि एक तरीके से हम सब जो है सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट को अपने स्किल्स को अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की एक कोशिश में लगे हुए हैं हर कोई तो सोशल मीडिया जो है अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां पे कि अलग अलग साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक्स के लोग एक साथ मास ऑडियंस जो है वो आती है और कंटेंट को कंज्यूम करती है तो अगर हम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच करके एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम ये समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल है एक तो है कि हम ऑर्गेनिकली अपने कॉन्टेंट को शेयर करें जैसा कि हर कोई करता है बट एक है कि अगर हम ये स्किल को मास्टर कर लें सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल जो कि सिर्फ इतनी है कि आप सोशल मीडिया पे किस तरीके से बेहतर जो है ऑप्शंस को यूज करके अपने काम को अच्छे तरीके से लोगों तक मास ऑडियंस तक एक बड़ी ऑडियंस तक शेयर कर सकते हो बस यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि किस तरीके से हम अपनी एड्स को प्लेसमेंट जो है एड प्लेसमेंट करें अपने कॉन्टेंट को चाहे वो वीडियो है या फोटोग्राफी है किसी भी टाइप के कॉन्टेंट को हम जो है एड्स के रूप में प्लेस करें अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चाहे फिर वो इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है प्रिंटर्स पे है, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो किस तरीके से हम अपनी एड्स को प्लेस कर सकते हैं और उन एड्स को हम कितना नैरो जो है फिट इन कर सकते हैं कि इस हद तक हम उनको नैरो कर सकते हैं अपनी ऐड को कि कौन से एज ग्रुप को हम अपना कंटेंट दिखाना चाहते हैं कौन से आ, जो है आ, किस फील्ड के लोगों को हम अपना कंटेंट दिखा सकते हैं तो इतनी इतना नैरो करके हम अपनी ऐड को प्लेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और जितना ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचेंगे उतना ज़्यादा हमारे जो चांसेस हैं खुद को सेल करने के वो बढ़ते रहेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ट्राइंग टू सेल हर सेल्स इन वन वे और दी अदर ये जो है सच्चाई है चाहे हम आर्टिस्ट हैं किसी भी फील्ड के हम सब एक एक तरीके से खुद को बेचने की ही कोशिश में लगे हुए हैं तो अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको अगर हम एक्वायर कर लें अपने फील्ड के अलावा भी इसको अगर सीख लेते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमारे लिए ये एक एडिड बेनिफिट हो सकता है और हमारे काम को एक नई हाइट तक पहुंचा सकता है अगर हम इस स्किल को सीख लें तो दूसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्किल्स अब ये एडवाइस उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अंदर हैं बट ये उन लोगों के लिए है जो कि और अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अलावा मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी आर्ट फील्ड में हैं आप फोटोज़ और वीडियोस की इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनको नेगेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हैं आपको फोटोज और वीडियोस की नीड ज़रूर पड़ेगी अपने काम को दिखाने के लिए अपने काम को एक्सप्रेस करने के लिए तो मैं ये कहूँगा कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों की बेसिक स्किल सेट को अगर आप सीख लो बेसिक स्किल्स को अगर आप जो है मास्टर कर लो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपकी जो है क्रिएटिव फील्ड में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए अब यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फोटोग्राफी को मास्टर करना है या आपको बिल्कुल उसके अंदर ऐसी एबिलिटी चाहिए जो कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही बन जाओ वो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ बट एक बेसिक फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की स्किल हम सभी के अंदर होनी चाहिए कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें फोटोज़ और वीडियोज़ के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें अपने काम को तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की स्किल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक फोटोग्राफर हूं और वीडियोस भी शूट करता हूं तो यह चीज मैं आपको बता सकता हूं कि यूट्यूब पे बहुत सा ऐसा कंटेंट है फ्री कंटेंट है जिसको कि आप देख करके बेसिक फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी स्किल्स आप सीख सकते हो अगर आप कैमरे के थ्रू करना चाहते हो तो कैमरे के लिए आप डी से रिलेटेड वीडियोज देख सकते हो बेसिक फोटोग्राफी स्किल्स की या अगर आप अपने फोन से भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो या फोन के थ्रू आप फोटोज और वीडियोस बनाना चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं फ्री में जो कि मोबाइल फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियोस के बारे में है और बेसिक आपको कोर्स करने की ज़रूरत है बहुत आपको कोई हाई लेवल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है बहुत छोटा सा आप कोर्स कर सकते हो फ्री में सोशल मीडिया से सॉरी uh, यूट्यूब से आप सीख सकते हो और उस स्किल को आप मास्टर कर सकते हो ताकि वो आपकी एक आपके पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड में आपकी हेल्प कर सकें आपके काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए अब तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारी दूसरी वाली चीज़ से बिल्कुल रिलेटेड है जो कि है फोटो एंड वीडियो एडिटिंग अब जाहिर सी बात है जब हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बेसिक स्किल्स को सीखने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते उसको बिल्कुल भी निगेट नहीं किया कर सकते क्योंकि अगर हम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बेसिक स्किल्स सीख लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि इस चीज़ के लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रह सकते और वैसे भी तब जब हम एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं हम अभी अभी अपने काम को शुरू कर रहे हैं तब तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस हमारी अगर रही तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा एक नेगेटिव बात हो सकती है और हम जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग की भी बेसिक अगर हम स्किल ले लें स्किल सेट को अगर हम सीख लें तो हमारी बहुत हद तक मदद हो सकती है अपनी खुद के काम को आगे पहुंचाने के लिए अब अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा फोटो एडिटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो बेसिक जो है उनके रूल्स हमें सीखने हैं कोई बहुत उनको मास्टर नहीं करना और उनको सीखने के लिए भी अगेन यूट्यूब जो है हमारी हेल्प के लिए आएगा क्योंकि यूट्यूब पे आई कान टेल यू कि कितने सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल्स पे जो है ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड तो वहां पे जाकर के हम इन दो स्किल्स को भी मास्टर कर सकते हैं जो कि हम जो कि इवेंचुअली हमारे खुद के क्रिएटिव फील्ड में हमारी ज्यादा हेल्प करेगी और ज्यादा लोगों तक पहुँचने में या और ज्यादा अपने काम को एफिशेंटली करने में सो द फोर्थ थिंग इज प्रोडक्टिव स्किल्स अब प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती हैं बेसिकली प्रोडक्टिव स्किल्स के अंदर दो चीजें आती हैं पहली है राइटिंग दूसरी है स्पीकिंग तो राइटिंग एंड स्पीकिंग लिख करके अपने आप को एक्सप्रेस करना या बोल करके अपने आप को एक्सप्रेस करना ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट दो ऐसी स्किल्स हैं जो कि कोई भी आर्टिस्ट यूज कर सकता है अपने काम को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सो बेसिकली अगर आप किसी भी आर्ट फील्ड से हैं एंड लेट्स से अगर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं अपने काम के बारे में शेयर करने के लिए या अपनी 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 डेली लाइफ के बारे में शेयर करने के लिए किस तरीके से आप अपने काम को करते हो उसके लिए अगर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं तो जाहिर सी बात है आपको लिखना आना चाहिए आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और यही काम अगर आप वीडियोस बना करके बोल करके करना चाहते हो व्लॉग्स बनाना चाहते हो या इस तरीके की वीडियोज़ बनाना चाहते हो तो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत हद तक अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से लिख करके या बोल करके अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सको और ये दो स्किल्स जो हैं मुझे लगता है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए क्योंकि बोल करके या लिख करके हम अपने काम को और ज्यादा डायरेक्ट तरीके से हम जो है आ, सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं या बता सकते हैं लोगों को अपने आ, अपने बारे में या अपने काम के बारे में बेहतर तरीके से तो जो पांचवी और आखिरी चीज है वो है रिसेप्टिव स्किल्स अब ये रिसेप्टिव स्किल्स क्या होते हैं रिसेप्टिव स्किल्स दो स्किल सेट है अगेन फोर्थ की तरह रिसेप्टिव स्किल्स जो है दो स्किल सेट है पहला है रीडिंग दूसरा है लिसनिंग ठीक है और इन्हें रिसेप्टिव स्किल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपने अंदर चाहे वो रीडिंग करके हो आंखों के थ्रू रीड करके हो या चाहे वो कानों से सुन करके लिसनिंग करके हो तो ये जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं ये प्रोडक्टिव स्किल्स से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होंगी हमारी रिसेप्टिव एबिलिटी होंगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारी प्रोडक्टिव uh, स्किल्स होंगी हमारी प्रोडक्टिव uh, जो है एबिलिटी बढ़ेगी तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी सेंसिटिविटी जो है वो इस लेवल तक बढ़ सके रीडिंग uh, के लिए या लिसनिंग के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ग्रेस्प कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रह करके ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड कर सके उसको रिटेन कर सके ताकि फिर हम हमें जब अपनी प्रोडक्टिव स्किल्स दिखाने का हमें चांस मिले चाहे फिर वो लिख करके हो या बोल करके हो हम एक बेटर तरीके से अपनी प्रोडक्टिव स्किल्स को भी जो है एक्सप्रेस कर पाएँ तो उसके लिए हमारी रिसेप्टिव स्किल्स बहुत ज़्यादा हद तक डेवलप होनी जरूरी है तो ये थी हमारी पांचवी स्किल तो ये थे हमारे पांच स्किल्स जो कि मुझे ऐसा लगता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है और अगर हम इन स्किल्स को मास्टर कर लें तो किसी भी फील्ड से चाहे हम हो हम अपने काम को ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे और ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे अपने काम को लेकर के तो ये पांच स्किल्स बहुत जरूरी हैं और मैं जरूर चाहूंगा कि एक हर इमर्जिंग आर्टिस्ट जो कि स्टार्ट कर रहा है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में वो अपने पर्टिकुलर काम के साथ साथ इन पांच स्किल्स को भी मास्टर करने की कोशिश करें विद टाइम तो आप देखेंगे कि आपके काम में भी खुद ब खुद बहुत इंप्रूवमेंट होने लगेगी और आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे लोगों के सामने तो ये था आज की वीडियो में एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अब मैं आपको मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय Take care, have fun and stay safe guys. Bye bye. Take care.